जो मृतक रोहित है, रोहित के बहन के साथ प्रियम का लव अफेयर चलता था, बहुत दिनों से चलता था। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में बीते दिनों एएसआई के बेटे की अपहरण के बाद हत्या का मामला सुर्खियों में बना है, जिसके बाद लगातार पुलिस की छापेमारी चल रही है। इस बीच एसपी नवगछिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बड़ा खुलासा किया है। एसपी नवगछिया सुशांत कुमार सरोज के मुताबिक एसआईटी टीम गठित कर वैज्ञानिक अनुसंधान और मैनुअल सूचना पर छापेमारी की गई। गांव के प्रियम कुमार के एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में पता चला कि पिछले दिनों एएसआई की बेटी ज्योति से प्रियम प्यार करता था, जिसकी सूचना उनके भाई रोहित को जा लगी। प्यार में रोरा बन रहे भाई को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों का सहारा लिया, जिसके बाद देर रात अगवा कर गेहूं की खेत में ले जाकर हत्या कर दी। आपको बता दें, एसपी नवगछिया ने बड़ा खुलासा करते बताया है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई। जैसा क्या कुछ कह रहे हैं एसपी नवगछिया, आप सुनिए। 29 मार्च को भीपुर थाना में कांड दर्ज हुआ विरोधी हेतु अपहरण का। घटना बहुत गंभीर था, जानकारी मिलते ही तत्काल एसआईटी गठन किया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें कि थाना प्रभारी बीरपुर, थाना प्रभारी गोपालपुर, थाना प्रभारी खड़ीक और थाना प्रभारी नारायणपुर और डीआईओ की टीम भी थी। हम लोगों ने वो वैज्ञानिक अनुसंधान और कुछ मैनुअल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्शन करना शुरू किया, तो उसमें कुछ लिंक मिलना हम लोग को शुरू हुआ। कुछ व्यक्तियों की पहचान भी, जिनका कि संदेहास्पद सूचना हम लोग को मिल रहा था, जिसकी पुष्टि हम लोग को वैज्ञानिक अनुसंधान से भी हो रहा था, उसी में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के क्रम में उसी गांव का एक लड़का है, इसका नाम है प्रियम कुमार, जब उसे पूछताछ के लिए लाया गया तो पूछताछ करने क्रम में उन्हें पूरे घटना के बारे में खुलासा किया और अपनी संलिप्तता भी बताई, और अपने अलावा अन्य दो का भी बताया घटना में शामिल था। तो पूछताछ करने क्रम में जो जानकारी दी गई, जो उसे मामला मालूम हुआ, वो ये केस फिरौती हेतु अपहरण का नहीं था। घटना ये था, जो मृतक रोहित है, रोहित के बहन के साथ प्रियम का लव अफेयर चलता था, बहुत दिनों से चलता था। ये जानकारी घर वालों को भी हो गई थी। आज से लगभग एक दो महीना पहले मृतक अपने छोटा भाई के साथ प्रियम की पिटाई भी किया था और उसे धमकी भी दिया था, आप इस चीज से उसे से दूर रहो, लेकिन प्रियम लगातार कोशिश करता था मिलने जुलने का और परेशान करने के लिए। तो प्रियम को लगा कि रोहित मेरे रास्ते में बाधा है, और उसने दो लड़का, एक सुंदरम है उसी गांव का, उससे बात किया, फिर एक शिवम लड़का है जिसका वह ननिहाल पड़ता है, घर जमालपुर पड़ता है, उससे बात किया और पूरे घटनाक्रम को ये सेट किया। उस दिन भर सुबह से ही उसके गतिविधि पे लोग नजर रखे हुए था, रोहित गतिविधि पे जहां जहां गया, वो जो ये प्रियम है वो इन्फॉर्म करता गया सत्यम को और शिवम को भी। भोज खाने के बाद, जहाँ भोज गांव में भोज था, श्राद्ध का भोज था, भोज खाने के बाद उसे किडनैप करके नहीं, उसे बुलाया गया कि उसे भी धोखा दिया कि तुम पर